गैलेक्सी कांड में 4 लाख की डील। मुंबई में दहशत फैलाने का टारगेट। गुनहगारों को ज्यादा इनाम का लालच। पश्चिमी चंपारण टू मुंबई। गैंग्स ऑफ लॉरेंस की साजिश। सलमान खान के घर फायरिंग की वारदात की कड़ियां जैसे जैसे खुल रही हैं। आरोपियों की तरफ से नई नई साजिशों का पर्दाफाश हो रहा है। मुंबई क्राइम ब्रांच के हाथ लगी नई जानकारी के मुताबिक सलमान खान के घर फायरिंग के लिए दोनों आरोपियों यानी विकी और सागर से 4 लाख में डील तय हुई थी, जिसमें से 1 लाख रुपए पहले ही भुगतान कर दिए गए थे। खबर तो ये भी है कि लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने दोनों से खास तरह की डील की थी। अनमोल बिश्नोई की इस डील के मुताबिक दोनों आरोपियों से कहा गया था, बड़ा काम है, अच्छा पैसा मिलेगा। अनमोल बिश्नोई के इसी ऑफर के बाद दोनों वारदात को अंजाम देने के लिए तैयार हो गए। आरोपियों से हुई पूछताछ के बाद इस बात का भी पता चला है कि सलमान खान के घर फायरिंग कराने की इस डील के लिए बाकायदा पिस्तौल चलाने की प्रैक्टिस भी की गई थी। आरोपियों के मुताबिक दोनों ने यह प्रैक्टिस बिहार के पश्चिमी चंपारण में की थी, यानी मुंबई पहुंचने पर विक्की और सागर पिस्तौल चलाने में माहिर हो चुके थे। क्राइम ब्रांच की प्राथमिक जांच में यह भी सामने आया है कि अनमोल बिश्नोई ने टेरर फैलाने के लिए फायरिंग करवाई थी। पता यह भी चला है कि दोनों आरोपी फायरिंग की वारदात को किसी भी कीमत पर कामयाब बनाना चाहते थे, और यही वजह थी कि वारदात से 4-5 दिन पहले दोनों आरोपियों ने सलमान के पनवेल वाले फार्म हाउस की रेकी की थी, यानी पनवेल वाले फार्म हाउस की रेकी 2 बार की गई थी। मुंबई क्राइम ब्रांच के हाथ लगी जानकारी के मुताबिक दोनों आरोपी पनवेल के जिस फ्लैट में ठहरे थे वहीं उन्हें पिस्तौल भी मुहैया करवाई गई थी, लेकिन ये दोनों कौन थे अब इन्हीं का पता लगाने में क्राइम ब्रांच जुटी है। इस मामले में शूटर विकी गुप्ता के भाई सोनू गुप्ता को भी हिरासत में लिया गया है। क्राइम ब्रांच को शक है कि सोनू गुप्ता भी इस साजिश में शामिल हो सकता है।